जिसका नाम है महाराजा अम्बरीश। यूं तो महाराजा अम्बरीश इतने परम प्रतापी राजा हैं, भारत के सम्राट हैं, लेकिन परमात्मा के परम भक्त हैं। एक बात मैं आपसे बता दूं, हजारों दास दासियां हैं उसके पास, लेकिन वो किन्हीं से, ठाकुर की सेवा में नौकर चाकर से काम नहीं करवाते। अरे और तो आटा जो तैयार करते ठाकुर जी के लिए ना, भगवान के लिए, अपने से चाकी तैयार करके, चाकी से पीस करके आटा तैयार करते हैं। एक दिन की बात है, महाराजा अम्बरीश ने देखा कि बड़ा मंद मंद सुगंध आ रहा है, चाकी चला रहे थे, पसीना से लथपथ हो रहे थे। भगवान ने सोचा, देखो तो सही, इतने बड़े सम्राट होकर के मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं स्वयं, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान ने क्या क्या अपने पैताम्बर से पीछे से हवा करने लगे। महाराजा अम्बरीश ने देखा, भाई ये मंद मंद सुगंध हवा कहाँ से आने लगी। पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी स्वयं जो है अपने पैताम्बर से पंखा कर रहे हैं। बोले, जय हो महाराज, ये उल्टी गंगा बहा रहे हो। झट से चरण पकड़ लिए। बोले, महाराज ये क्या कर रहे हो आप। बोले, अम्बरीश, अरे तुम तो सदैव हमारी सेवा में संलग्न रहते हो, तुम इतना मेरे प्रति सेवा करते हो, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। चलो, तुम तो राज्य काज्य में हमारी सेवा में व्यस्त रहते हो, चलो राज्य काज के देखभाल के लिए आज से ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तेरा होगा। और सुदर्शन चक्र को राज्य रक्षा के लिए रख दिया। महाराजा अम्बरीश का सिद्धांत है, प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी करते और द्वादशी को किन्हीं संतों को भोजन करा करके तब महाराजा अम्बरीश भोजन ग्रहण करते। एक दिन की बात है, एकादशी के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी का क्षय लग जाता है, त्रयोदशी लग जाने लगता है। शास्त्र कहता है, यदि एकादशी में एकादशी आप किए हैं तो द्वादशी में पारण करें। उसी समय दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ है। दुर्वासा जी महाराज को देख करके महाराजा अम्बरीश ने उठ करके स्वागत किया। सुस्वागतम महाराज, पधारो, मेरा अहोभाग्य, आप जैसे संतों का, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ है। बोले, महाराज आज का आप आमंत्रित आपको करते हैं, आज का भोजन आप मेरे यहां ही ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी किए हैं। महाराज, मेरा तो सिद्धांत है, जब तक संतों को भोजन ना करा लूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। दुर्वासा जी ने कहा, राजन, एकादशी तो मैं भी किया हूं, लेकिन थोड़ा मैं संध्या वंदन करने जाता हूं, फिर आ रहा हूं। संध्या वंदन करने में सुखदेव बाबा कहते, प्रक्षित इतना समय लगा दिए, इतना समय लग गया कि अब द्वादशी का मुहूर्त निकलने जा रहा था, त्रयोदशी प्रवेश होने जा रहा था, त्रयोदशी प्रवेश होने जा रहा था। बड़े बड़े आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, क्या करना चाहिए। मेरा तो सिद्धांत है, मेरा संकल्प है कि बिना संत को भोजन कराए मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। लेकिन दुर्वासा जी अभी तक आए नहीं। आचार्यों ने, पंडितों ने कहा, महाराज यदि जल ग्रहण कर ले तो द्वादशी का व्रत भी पारण भी हो जाएगा और संतों का अपमान भी नहीं होगा। महाराजा अम्बरीश ने हाथ में जल लिया था और आचमन करना ही चाह रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए और यह देख करके दुर्वासा जी आग बबूले हो गए, क्रोधित हो गए। अरे राजन, तूने मेरा घोर अपमान किया, तू मुझे आमंत्रित करके और तुम जो है जल ग्रहण कर रहे हो, तुम जो है मेरा घोर अपमान किया है। और उसी समय क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को खोल करके जमीन पर पटक डाला, उसमें से एक मृत्या प्रकट हो गई और महाराज अम्बरीश को मारने के लिए जा ही गया। उधर सुदर्शन चक्र सावधान, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को वहीं पर मार गिरा दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते भागते ब्रह्मलोक में गया। हाँ महाराज, बचाइए बचाइए बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे। बोला, सुदर्शन चक्र से। बोला, भागो यहां से जल्दी। और
फिर भागते भागते हिमालय पर्वत की ओर भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। भगवान शिव को कहा बचाइए बचाइए। भगवान शिव ने कहा किससे? बोला सुदर्शन चक्र से। बोला तुमेव शरणम नमः। अरे तुम्हें जो है यदि सुदर्शन चक्र से बचना चाहते हो तो तुम तो प्रभु के शरण में जाओ। और भागते भागते भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे हैं। दुर्वासा जी और जाकर के चरण पकड़ लिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमें गलती हो गई, अब ये सुदर्शन चक्र आपका मुझे जलाए जा रहा है। प्रभु ने कहा दुर्वासा जी मैं सुदर्शन चक्र के कोप को मैं शांत नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए अहम प्राण भक्ता पराधीना या स्वतंत्र साधु भीग्रस्त भक्तर्भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले तो क्या शरणागति व्यर्थ जाएगी? बोले नहीं शरणागति नहीं। अरे जिनका तूने अपराध किया है उन्हीं भक्तों के पास जाओ। और आज जो है एक वर्ष दुर्वासा जी को, क्योंकि हमारा बताया जाता है देवताओं का एक वर्ष, हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। वह जो घूमते घूमते दिन बीत गया इधर एक वर्ष बीत गया है। अब एक वर्ष तक जो है महाराजा अम्बरीश हाथ में जल लिए खड़े हुए हैं कि जब तक मैं संत को भोजन न करा दूं तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण कर सकता हूं। एक वर्ष तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। और जैसे ही आया दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े, महाराजा अम्बरीश ने उठा करके सीने से लगा लिया। बोले महाराज ये अपराध मत करो, ये मुझे अपमानित मत करो। अरे महाराज आप तो संत हो। और आज जो है दुर्वासा जी ने कहा आज मैंने देख लिया, अरे जिसको मैंने मारने के लिए गया और उन्होंने मेरे प्रति उसका इतनी श्रद्धा, संतों के प्रति इतनी श्रद्धा। अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट प्रपद्यते कृतांगो अपि यद राजन मंगलानि समीहते। अरे देखो तो सही भगवान के भक्तों का, देखो कितनी बड़ी महिमा है। जिसको मैंने मारने के लिए चला वो तो देखो मेरे प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। और आज जो है दुर्वासा जी से कहा, दुर्वासा जी ने कहा राजन ये जो है सुदर्शन चक्र पहले शांत करो फिर बैठ करके बातें करते हैं, ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र मुझे जलाया जा रहा है। और महाराजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र की स्तुति किया है कि भगवान यदि मेरी संतों के प्रति अनन्य श्रद्धा है, ब्राह्मणों के प्रति अनन्य श्रद्धा है तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र आज शांत हो गया है। इस प्रकार कहते हैं संत और गुरुजन आ जाए तो संतों के गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। संत और गुरुजन तो जो है भगवान के अंग है, इसलिए इस प्रकार संतों का बड़ा स्वागत किया। आइए रामचरितमानस में समास रूप से रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित तुम तो राम कथा ऋषियों से पहले सुन चुके हो लेकिन मैं तुम्हें समास रूप से सुनाना चाहता हूँ। आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेह्यर्णम जटायु मरणम सुग्रीव सम भाषणम बाली निर्जल गता समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकरण हरणम एतदेति रामायणम। महाराज तो बिल्कुल आप जो है एक ही श्लोक में सुना डाले। अरे महाराज कुछ तो विस्तार सुनाइए। आइए राम चरितमानस में प्रवेश करने से पहले चलिए अपने मन को अयोध्या की ओर लगते हैं।